नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज। गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक। पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में हुआ हादसा। प्रभावित थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बीती रात कुत्तों ने 2.5 साल में के मासूम पर हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके बाद वहां के निवासी भड़क उठे। सैकड़ों लोग गेट पर धरना दे दिया और बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। क्रॉसिंग रिपब्लिक पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में काफ़ी संख्या में कुत्ते घूमते रहे। कल एक कुत्ते ने महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। थोड़ी देर बाद बेसमेंट में 1-2.5 साल के बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्चे की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है और इसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। दरअसल बच्चा घूमते हुए सोसाइटी के 1 फ्लोर पर पहुंच गया, जिसके बाद वहां मौजूद 4-5 कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं पार्किंग में गाड़ी निकालने और सोसाइटी के निवासी ने उसे कुत्तों से किसी तरह बचाया और उसके परिजनों को सूचना दी। कुत्तों के हमले से लगातार होती घटनाओं के बाद लोगों में रोष फैल गया है। उन्होंने बिल्डर और सोसाइटी के प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। लोगों का कहना है सोसाइटी के प्रबंधन का कार्य अभी बिल्डर की तरफ से ही किया जा रहा है। सोसाइटी में अभी वेलफेयर एसोसिएशन नहीं है, जिसके चलते सोसाइटी के खेत में बिल्डर द्वारा कोई सही निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब लोग सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज नहीं की जाती है तब तक लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। ठीक है, आप बताएं ये जो एजिटेशन यहाँ हो रहा था इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये किस बारे में एजिटेशन हो रहा था ये यहाँ पर? असल में हम लोग का मेन जो था वो स्टे डॉग्स पे था। हाँ, वो बहुत वायलेंट है। हाँ, सोसाइटी में हर 1-2 दिन आता ही है किसी किसी को बाइट कर लिया, एक छोटा बच्चा को बाइट कर लिया। हाँ, 4-4 डॉग्स उस पर टूट पड़े। हाँ, और फॉर्चुनेटली एक आदमी आ गया तो बच गया वो बच्चा। अच्छा अच्छा, तो ये स्टे डॉग का रियल प्रॉब्लम ये है। और पेट्स को तो हम लोग समझा सकते हैं, वी कैन टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी रूल्स। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हो रहा है कि स्टे डॉग्स को हम हटा ही नहीं सकते। हाँ, काफ़ी टफ है। इसके बारे में आपने कोई कभी किसी को रिपोर्ट करी है अथॉरिटी को? अथॉरिटी तो पूरे भरे हुए थे आज। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये तो आज आपको एजिटेशन करना पड़ा, इससे पहले एजिटेशन हमें क्यों करना पड़ा? हाँ, जब आप कुछ नहीं सुन रहे हो। हाँ, आपके यहाँ दिया आप, उसके बाद आप दे रहे हो कि एक्ट ये है, तो क्या हमारा लाइफ कुत्ते से ज्यादा पत्थर हो गया है क्या? हाँ, आप ये बताइए तो इसपे आपको क्या आश्वासन मिला आज? आश्वासन मिला कि आप 20-25 आदमी आइए थाने में, वी विल डिस्कस। अच्छा, ये कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। थाने के से बेटर ये आप कलेक्टर को कहिए, कप्तान को कहिए, जब थाने पे नहीं सुन रहे ये लोग। ये तो पहला मेरा फर्स्ट स्टेप था। हाँ, हम इसको फॉलो भी करेंगे। हाँ, फॉलो करेंगे। अच्छा, इसमें आपने जो सोसाइटी के अंदर जो पेट है उसके लिए भी कुछ बना रखा है? नहीं, कुछ नहीं बना हुआ है भाई, उसके लिए भी तो होना चाहिए ना, वो भी किसी को ना फीडिंग पॉइंट बनाया हुआ है। हाँ, हाँ, सोसाइटी में। हाँ, लेकिन वहाँ पर कोई डालता नहीं है, सब लोग अंदर ही डाल रहे हैं। हाँ, तो रेजिडेंट्स की कमी है जिसको दूर करना है, तो ये आपस में भी दूर करिए इसको। टाइम फिक्स कर रखा है इसके लिए, मेंटेनेंस एजेंसी जो है उसको ही बोला की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। आप लोग किस सोसाइटी से हैं? महागुण सोसाइटी। और इसमें क्या जितने लोग यहाँ पर आज एजिटेशन में था सभी सोसाइटी के थे? सभी सोसाइटी, तंशील, महागुन, सोसाइटी। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? सारे लोग आए थे। गौरव गर्ग। आपका भाई साहब? ए के सिन्हा। थैंक यू।
देख के जरा पीछे गाड़ी को। ये गाड़ी किसकी खड़ी है? ये हटाते क्यों नहीं है? पैरामाउंट है और पब्लिक कितनी दुखी हो रही है। क्या तरीका है ये? माने इस तरह आप एजिटेशन करेंगे जिससे पाप मेरे को क्यों कहते रहे हो? हाँ मैं भी पैरामाउंट में रहता हूँ। मेरी की फोटो खींच रहे हो? हाँ अच्छा मोबाइल लीजिए। इंस्पेक्टर साहब इसको उठवा लीजिए, ऐसे खड़ी कर गए हैं। मैं गोपाल अग्रवाल चैनल से हूँ। हैं ठीक है, अभी हटवा रहे, पूरा रोड ब्लॉक था, धीरे धीरे सब हटवा रहे। अभी मैं कप्तान साहब से ही बात करता हूँ। अभी हटवा रहे हैं, अभी हटवा रहे हैं। आप इस एरिया में हो बॉस? नहीं मैं दूसरी जगह से आया हूँ। अरे भाई ये गाड़ी किसकी है, हटा लो, इसे भिजवा ही दियो जरा। ये गाड़ी किसकी है? मैं इसकी बना के अभी भेजता हूँ कप्तान साहब को। जाए पिया जाओ तुझे चलिए बढ़िया है मैडम। आज ही आई ना, आज ही ज्वाइन किया है, वो चले गए ना हमारे साथ। अच्छा मलिक साहब आज ही ट्रांसफर हुआ इनका? आते आते ही हो गए। वो मैडम वो तो जी ये कितनी देर से लगा हुआ था? आज अपना थाना शुरू हो गया नहीं हो गया? पैरामाउंट वाला इधर वाला रिपब्लिक क्रॉसिंग। अच्छा तो मैं आज पूछूंगा प्रमोद जी से, कप्तान साहब के, वो जो है ना